हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे पीस पनीर विद बेबी कॉर्न। तो सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लीजिए। पनीर रेडी है अभी हमारा। इसी तेल में अभी हम डालेंगे लाल मिर्च, तेज पत्ता और गरम मसाला। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले। इसके बाद डालेंगे प्याज। प्याज को डालने के बाद अच्छी तरह से फ्राई कर ले। अब डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले। फ्राई करने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दें। याद रखें, आप कोई भी डिश बनाएं, मसाला को अच्छी तरह से पकने दें ताकि मसाला का जो स्मेल है वो कच्ची वाली मसाला का स्मेल ना आए। मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब देखिए पक रहा है हमारा मसाला। अब डालेंगे नमक, कटी हुई टमाटोस। इसे भी अच्छी तरह से पका लें। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हो टमाटो को, बट मैंने छोटी छोटी चॉप करके डाला है। फिर मैंने लीड को ढक दिया है। थोड़ी बार देर बाद देखिए टमाटो अभी पक रहा है हमारा। थोड़ी पानी डाल दिए मैंने ताकि मसाला जल ना जाए। अब डालेंगे शाही पनीर मसाला। फिर लीड को ढक के रख दें आप। थोड़ी देर बाद आप देखिए मसाला अभी भी रेडी हो रहा है। थोड़ी देर और पकाते हैं मसाला को ताकि इसमें जो टोमेटोस है वो अच्छी तरह से स्मैश हो जाए। चम्मच से स्मैश करते रहें। तेल ऊपर की तरफ आ गया है, मतलब मसाला अभी पक गया है हम लोग का, रेडी है। अभी डालेंगे इसमें ग्रीन पीस। मैंने गोल्डन क्राउन का ग्रीन पीस लिया है इसमें। इसको पकने के लिए थोड़ी देर लीड ढक के रख दें। अब रेडी है हमारा मटर। अब डालेंगे बेबी कॉर्न। ये भी मैंने गोल्डन क्राउन का ही लिया है बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न को भी थोड़ी देर पकने दें। उसके बाद डालेंगे पनीर, मेन इंग्रेडिएंट हमारा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब थोड़ी देर से पकने के लिए लीड ढक के रख दें। रेडी है हमारा सब्ज़ी। मेरी सब्ज़ी अभी रेडी है। तो चलिए लंच करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।